कर रहे हैं जो कि लगभग 30% खत्म हो चुकी है। एंड ये एक हॉरर कॉमेडी है, मनोज शर्मा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें रोहन मेहरा हैं, मैं हूँ, कानात अरोड़ा है, विजय राज हैं, राजपाल यादव हैं, देन वी हैव जी हॉरर कॉमेडी। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैं हॉरर्स काफ़ी कर चुका हूँ, थ्रिलर्स डिफरेंट जॉनर है हॉरर कॉमेडी, और मैंने पहले ऐसा कभी कुछ अटेम्प्ट नहीं किया था। हॉरर कुछ कर चुका हूँ मैं, कॉमेडी भी कर चुका हूँ, टीवी में भी कर चुका हूँ, लेकिन ये डिफरेंट है और इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद ऑल ऑफ दीज ग्रेट एक्टर्स। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ये हॉरर जॉनर, मैंने आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं की, एंड आई एम लविंग इट बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, एंड आई लाइक द स्टोरी, आई लाइक द कॉन्सेप्ट, एंड आई एम एन्जॉइंग वर्किंग विद राजपाल यादव जी एंड विजय राज जी एंड रजनीश, एंड इनके साथ अभी काम नहीं हुआ है, बट आई एम जस्ट लविंग द फील ऑन द सेट, आई एम लविंग टू बी हियर ऑन द सेट एंड डूइंग दिस रोल, एंड इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज मैं इनके साथ ऑफिस में हूँ और असरानी जी हमारे साथ में, हम लोग का वो ट्रायंगल है, ऑफिस ट्रायंगल, तो इट्स एन अमेजिंग वर्क एक्सपीरियंस विद देम। एंड और एक बहुत जो अमेजिंग फैक्टर ये भी है कि इट्स अ कॉमेडी प्लस हॉरर, तो आजकल जो चल रहा है थोड़ा कॉमेडी। बड़े थके हुए नहीं, बहुत गर्मी में शूटिंग कर रहा था अभी सतारा में, और आज यहाँ पे शुरू की है तो इसलिए हो सकता है थकान लग रही हो, लेकिन अंदर से कोई थकान नहीं है। नहीं, इनका सीन इससे पहले जो था वो सोने का था, हम लोग अभी सोकर उठे हैं सारे, और ये पुलिस अंदर आई है जो विजय जी, एंड सडनली हम लोग इसलिए वो फील दी हुई है हम लोग। ये फिल्म तो मालूम है आपको, खली बली है, और इसकी जो हमारी लीड कास्ट खड़ी है आपके सामने रजनीश भाई, इनके साथ हमारी दूसरी तीसरी फिल्म है, और बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपने सेट पे माहौल बनाया हुआ है हंसने खेलने का, और हंसते खेलते इतनी फिल्म बन गई और बनती रहेगी। तो मैं भी यही चाहता था कि कॉमेडी फिल्म में डरे नहीं, डरे तो ऑडियंस, लेकिन हम लोगों ने हंसते हंसते फिल्म बनाई है। ऑडियंस भी हंसे, ऑडियंस तो हंसेगी हंसेगी, लेकिन हम लोग शूटिंग कर रहे हैं ना, हम वैसे नहीं डर रहे, लेकिन हम हंस रहे हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट पूरा करेगी। चाहे हंसाने सीन हो चाहे डराने का सीन हो, लेकिन दोनों के पीछे एंटरटेनमेंट जरूर हो, और हम लोग एंटरटेनमेंट ही गुजारी हैं, एंटरटेनमेंट करेंगे। सीरियस एंटरटेनमेंट तो जो सब न्यूज़ इंडस्ट्री में ने एक्सपोज किया है पूरे वर्ल्ड का, बधाई, अब बचा है शुद्ध एंटरटेनमेंट, वो हम लोग करने की कोशिश करते रहते हैं। Khali Bali for me is a very interesting project. It's a very interesting subject at the same time. I always wanted to do film which I would like to watch. I'm a Manoj ji ke saath kaam karne. Thank you. देखिए, इन्होंने जिस तरह की टीम आप दोनों ने मिलकर के बनाई है, उसमें एक एक कलाकार जो है एक एक खंबे की तरह है, एक एक पिलर की तरह है, और जो पिलर नहीं है तो वो बिंदिया की तरह है या हार की तरह है, तो जो ताना वाना मनोज जी की पिक्चरों में होता है वो वाकई इंटरेस्टिंग होता है, और कलाकारों के बीच तो हमें मज़ा आई, क्योंकि सब पुराने दोस्त हैं, 25 साल पुराने, तो उनके साथ की केमिस्ट्री कुछ अलग ही होती है। विजय राज के साथ हमारे जो सीन है उनमें अलग मज़ा आ रहा है हम लोगों को काम करते हुए, कई फिल्में हम लोग साथ में कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो केमिस्ट्री है वो एकदम इंटरेस्टिंग। शूटिंग 17 तारीख से चालू हुई है, और मेरा रोल 15 के बाद से मुझे पता चला था कि कुछ अच्छा सा रोल बनने वाला है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो अब जब शूटिंग चालू हुई तो मैं देख रही हूँ कि इतने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जिसमें मधु जी हैं, रजनीश दुग्गल हैं, कायनात अरोरा हैं, राजपाल यादव हैं, असरानी जी हैं, और मेरे सबसे ज़्यादा सीन असरानी जी के साथ हैं, और सिंपल